माँ ये कौन है? ये श्रवण है गणेश, ये दूर गांव से आया है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। तुम जल्दी से खाना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। प्रभु ये लीजिए मोदक, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। प्रभु आप विश्राम कीजिए। प्रभु पानी। कौन हो तुम? मैं हूँ श्रवण, बाल गणेश का सच्चा भक्त। मैं हूँ बाल गणेश का सच्चा भक्त, तुम नहीं। नहीं मैं हूँ। सच्चा भक्त कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? प्रभु आप चाहें तो हमारी परीक्षा ले लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका सच्चा भक्त कौन है, मैं या मूषक। मूषक तैयार हो? प्रभु जब आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे डर किस बात का, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी 5 विभिन्न परीक्षाएं करूँगा, जो ज्यादा जीतेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। हाँ लेकिन परीक्षा देते समय छल कपट का प्रयोग नहीं करना है। वक्रतुंड महाकाय। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश पूजा करना अनिवार्य है, और मैंने उसके बिना ही अपना अभियान शुरू कर दिया, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? हे प्रभु हमारे सारे विघ्न दूर कीजिए, बाल गणेश की जय। सच्चा भक्त मैं ही बनकर दिखलाऊंगा मूषक, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु मैं जीत गया। अरे मूषक, श्रवण ने कहा तुम दौड़ छोड़ के खाना खाने बैठ गए थे, देखा हार गए ना? नहीं मूषक, अगर इस तरह चलता रहा तो तुम हार ही जाओगे, और श्रवण फिर सच्चा भक्त कहलाएगा, सोच लो। चलो अब दूसरी परीक्षा का वक्त आ गया। ओ, ये क्या लिखा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु आप श्रवण को ही सच्चा भक्त बना लो, मूषक से ना हो पाएगा। हमने कितनी बार मूषक से कहा पढ़ ले, अगर मूषक ने पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मूषक अब श्रवण ने 2-2 परीक्षाएं जीत ली हैं। अब सुनो, तुम दोनों के सामने अभी जो भी आए वो खाना है, पर अपनी आंखें बंद करके। क्या? अगर तुम्हें परीक्षा नहीं देनी तो हार मान लो श्रवण। नहीं नहीं प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा प्रभु। अगम बगम बांध दो इनकी आंखों पर पट्टी। Hmm?
थक गए? नहीं नहीं, भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ, बस ये आखिरी है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे देखना होगा कहीं सिर्फ मुझे ही तो तीखी मिर्ची नहीं खिलाई। वाह मूषक, इस बार तो तुम जीत गए। क्या आश्रम पे आगमन? नंदी ब्रिंगी चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ और आपकी रक्षा करूंगा इन दैत्यों से। मूषक श्रवण, लगता है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का वक्त आ गया है, जो इसमें उत्तीर्ण होगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मुनिवर आप अंदर जाइए, इसे हम संभाल लेंगे। प्रभु मैं अकेला ही काफी हूँ इसके लिए, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। नहीं प्रभु, इसे तो मैं ही मारूंगा। बाल गणेश, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अगर लगता है कि मुझे आसानी से मार दोगे तो ये असंभव है, असंभव। काश तुम मुझे मार पाते, काश। क्या हुआ? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। कुछ रुको, मत मारो मुझे, रुको रुको। जरा तुम इनसे तो लड़के दिखाओ। तैयार हो? जा रहे हो? बाल गणेश मुझे माफ कर दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अपनी जान बचाओ। ऋषभ लगी तो नहीं तुम्हें? प्रभु आपके होते हुए मुझ जैसे सच्चे भक्त को किस बात का डर? अरे तो फिर यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? माँ के हाथ के लड्डू नहीं खाने? चलो। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको धोखा दिया और मैं प्रभु भक्ति में भी मूषक राज से कम ही साबित हुआ। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ श्रवण। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने प्रभु में पूर्ण विश्वास रखे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, और इसीलिए मूषक तुम जीत गए। श्रवण
मेरे मित्र, तुमने सच्चा भक्त बनने के लिए गलत तरीके अपनाए, लेकिन तुम्हारा प्रभु भक्ति के लिए प्यार सही था। और जिसके दिल में बाल गणेश जी के लिए प्यार हो, वो मेरा मित्र होता है। आओ मित्र, गले मिलो। कितना कठिन है प्रभु, कल पढ़ के सुनाओ। मूषक, पढ़ना तो आज ही होगा, वरना नंदी को गुस्सा आ जाएगा, फिर मत कहना। हाँ, बताता हूँ। मूषक महाराज, पिछली बार जो नंदी ने गुस्से में हमें उल्टा लटका दिया था, पूरे 2 दिन बाद हम नीचे उतर पाए। अरे शांत नंदी, शांत, इतना इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैं पढ़ता हूँ। भोलेनाथ, बचाइए हमें, हम सबको, इस सृष्टि को। सिंधु ने स्वर्ग को भी तहस नहस कर दिया है, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। क्या वो सिंधु यहाँ कैलाश पर आक्रमण करने आ रहा है? यहाँ कैलाश पर? इतना दुस्साहस सिंधु में? भोलेनाथ, और वो ये कहते हुए आ रहा है कि वो आपको भी बंदी बना देगा। क्या, ऐसा कहा उसने? तो आप तक सिंधु की हवा पहुंच ही गई। हमसे लिए हुए वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहा है सिंधु। भोलेनाथ, अब हम क्या करें? आप चिंता ना करें, मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। गणेश, लेकिन बालक गणेश ही ठीक रहेंगे इस कार्य को संपन्न करने के लिए। प्रभु, आप भी? आप माँ हैं, इसीलिए कह रही हैं। किंतु आप स्वयं ये जानती हैं कि बाल गणेश हम में से किसी से भी शौर्य या चतुराई में कम नहीं है। बाल गणेश, सिंधु ने घोर तपस्या के बाद मुझसे वरदान में अमृत और भोलेनाथ से सूर्य देव के दिए हुए कवच को उनका त्रिशूल, जो कि सबसे कठिन धातु से बना है, वो भेद ना सके, ऐसा वरदान लिया है। सिंधु की नाभि में अमृत से भरी एक कुपी है, जिसे उसने सूर्य देव के कवच से ढका हुआ है। उस कुपी को तोड़कर ही सिंधु को मारा जा सकता है, वरना सिंधु अमर रहेगा। मैं तैयार हूँ, किंतु अभी सारे गण भी नहीं है यहाँ, इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे होगा? आप चिंता न करें माँ, सिंधु के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, और फिर मैं उसे मिले वरदानों को भी तो जानता हूँ। मैं जीत कर ही लौटूंगा माँ। जानती हूँ विजयी भव पुत्र। इतनी बड़ी सेना? अच्छी तैयारी की है। प्रभु, ये हमारी नहीं, उस राक्षस की सेना है। अरे जानता हूँ मैं मूषक, चिंता मत करो। सिंधु दुस्साहसी, तुम भगवान विष्णु और भोलेनाथ को बंदी बनाने चले हो? ए बालक, चले जा अपने घर को। मैं भोलेनाथ और भगवान विष्णु को मार कर कैलाश पर राज करूँगा। राज, तू मेरा समय व्यर्थ न कर। दुष्ट राक्षस, तूने उनका नाम भी कैसे लिया? उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अच्छा, परंतु एक बालक से क्या लड़ना? वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। भोलेनाथ का पुत्र? अच्छा है। लेकिन बच्चे, तू मेरी इस बड़ी सेना का सामना कैसे करेगा?
तुम्हारे पास तो सेना है ही नहीं। हम इतने ही काफी है तुम्हारे लिए। ये छोटा सा चूहा, ये पुतला और मोटा राक्षस और ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी, और तुम हमें मारोगे? नंदी अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब अपना गुस्सा उतारना इन पर। सिंधु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भोलेनाथ से माफी मांग ले और यहाँ से चले जा, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे बालक तू तो क्या, तेरे पिता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले मैं तुम सबको मारूंगा और फिर भोलेनाथ को। सिंधु तेरा ये दुस्साहस, सर्वनाश कर दो इन राक्षसों का। मूषक अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आक्रमण! क्या प्रभु? सेना को मारा, परंतु मैं अकेला ही काफी हूं, मिटा दूंगा सब कुछ। बाल गणेश तू क्या मुझे मारेगा? मैं तो अमर हूँ, अमर! जब तक मेरे पास अमृत है मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मुझे मारने आया था, मुझे मारना तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा। काश तुम मुझे मार पाते। सच्ची मेरी ये इच्छा है कि तुम मुझे मारो, पर ये हो नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हूँ, अमर। अरे रे सिंधु, तू तो गया। सिंधु मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। Oh!
गणेश, जब तक मेरे पास ये अमृत है। अरे रुक जा, मुझे पता है, भगवान विष्णु ने मुझे बताया है। अच्छा, पर क्या तुम ये जानते हो कि सूर्य देव के दिए हुए इस कवच को शिव जी का त्रिशूल भी। अरे रुक जा, मुझे पता है, भोलेनाथ ने मुझे ये भी बताया है। मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हें। सिंधु, मुझे बाद में मारना, पहले अपने आप को तो बचा ले, क्योंकि वरदान लेते समय तुमने भोलेनाथ से ये नहीं पूछा था कि उनके त्रिशूल से भी तेज कोई ऐसा भी औजार है जो इस कवच को भेद सके। क्या कौन सा औजार? परशु। नहीं नहीं, बाल गणेश। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। माँ, हमें क्षमा भी कर दो, आगे से कपड़े गंदे नहीं करेंगे हम। लेकिन पिछली बार भी तुमने यही कहा था बाल गणेश। नहीं नहीं, इस बार हम सच में ऐसा नहीं करेंगे माँ। चुपचाप सब लोग कपड़े धोते रहो, वरना कार्तिकेय के कपड़े भी धोने को दे दूंगी। प्रभु, चुपचाप धोते रहिए, नहीं तो समस्या और भी बढ़ सकती है। तुम सही कह रहे हो नंदी। मैं कुछ देर में वापस आती हूँ, तब तक सब कपड़े धो के साफ होने चाहिए। और हाँ, किसी ने कोई चालाकी की तो तुम लोगों को रोज कपड़े धोने होंगे, और वो भी सबके, समझे? कैसी रही? बहुत अच्छी रही प्रभु, किंतु माँ। अरे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। प्रभु ये कह रहा है कि माँ चली गई, आप अभी अपना काम कर दें। गणेश, तुम चालाकी किए बिना रहोगे नहीं ना? नहीं माँ, वो तो मैं बस वो। अवश्य ही ऐसा करने के लिए तुम्हें तुम्हारे मित्रों ने उकसाया होगा। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। जैसा भी हो, कपड़े तो तुम सबको चालाकी से नहीं अपने हाथों से धोने होंगे। क्या हुआ पार्वती, क्यों बच्चों को डांट रही हो? डांटो नहीं तो क्या करूं महादेव, आपका ये पुत्र और इसकी मित्र मंडली सारा दिन मुझे घर के कामों में ही उलझाए रखते हैं। दिन में 5-6 बार तो ये लोग कपड़े बदलते हैं। कपड़े धोने का यंत्र थोड़ी ना हूँ मैं, ऊपर से इनका खाना तैयार करना होता है वो अलग। पार्वती, जो बालक असुरों का नाश करता हो उसकी थोड़ी शैतानियाँ तो चलानी ही होगी। ओ, अगर इतना ही प्यार आ रहा है आपको अपने पुत्र पर, तो ठीक है, आज से आप ही संभालिए घर के कार्य। पिताश्री, अब आप ही माँ को समझा सकते हैं। पार्वती, हम पहले से ही चिंतित हैं, और इस प्रकार रूट कर आप हमारी चिंता और बढ़ा रही हैं। त्रिलोक स्वामी को चिंता? पार्वती, हम बहुत दिनों से एक हवन करने की सोच रहे थे, जिससे
सभी देवी देवताओं को शक्ति और दिव्य शक्तियाँ मिले। परंतु इसमें चिंता का विषय क्या है? पार्वती, चिंता का विषय यह है कि इस हवन की सबसे उत्तम तिथि कल सुबह की है, जिसमें सभी देवी देवताओं का होना आवश्यक है, अन्यथा इसका फल किसी को नहीं मिलेगा। किंतु इतने कम समय में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करना असंभव सा प्रतीत होता है। मुझे तो ये विषय कहीं से भी चिंता का कारण नहीं लगता महादेव। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए आप अपने सभी गणों को क्यों नहीं भेज देते? गणों को भेज तो दे पार्वती, किंतु कार्य को अति शीघ्रता से पूरा करने के चक्कर में यदि गणों से एक निमंत्रण भी छूट गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मेरे विचार से आपको ये कार्य किसी गण की बजाय बाल गणेश को सौंपना चाहिए। वो शीघ्रता में भी कुछ भूलने की चूक नहीं करेगा। विचार तो उत्तम है। मैं समझ गया प्रभु। यदि समझ गए हो नंदी तो बताओ कौन क्या क्या काम करेगा। मैं हवन कुंड बनाऊंगा। मैं और अगम हवन की सामग्री लाएंगे। और मैं हवन के स्थान की साफ सफाई करूंगा। तो जाओ, तुम सब अपने अपने कार्य पर लग जाओ। किंतु पिताश्री, आपने तो मुझे कोई कार्य सौंपा ही नहीं। और मुझे भी नहीं। बाल गणेश, ये समय तो तुम्हारे खेलने का है ना? यदि काम करोगे तो खेलोगे कैसे? वो तो मैं बाद में भी खेल सकता हूँ पिताश्री। आप बस काम सौंपिए, मुझे भी आपका हाथ बटाना है। तुम मेरा हाथ बटाना चाहते हो? ठीक है बाल गणेश, तुम और मूषक यदि मेरी मदद करना ही चाहते हो तो तुम लोग ऐसा करो, तुम दोनों जाओ और सभी देवी देवताओं को मेरी ओर से हवन के लिए आमंत्रित कर दो। जी पिताश्री, मैं और मूषक अभी जाकर सबको निमंत्रण दे आते हैं। पिताश्री, किंतु क्या बाल गणेश? पिताश्री, मैं आपके दिए इस कार्य को पूरे मन से करना चाहता हूँ, किंतु इसकी समय अवधि तो बहुत कम है। कल सुबह से पहले इतने निमंत्रण। ये बात तुम्हें कार्य हाथ में लेने से पहले सोचनी चाहिए थी बाल गणेश। अब तो बस इस कार्य को पूरा करने के बारे में सोचो। परंतु पिताश्री। क्या हुआ प्रभु, आप इतने उदास क्यों हो गए? मूषक, तीनों लोकों की यात्रा है, ये कार्य आसान नहीं है। पिताजी हवन कल सुबह करना चाहते हैं, दो चार दिन बाद नहीं। तो अब हम क्या करेंगे प्रभु? समझो। ओम प्रकृति स्वरूपा स्वाहा, स्वाहा। ओम सृष्टिये स्वाहा। ओम धराय स्वाहा। ओम ब्रह्मंदे स्वाहा। महादेव, आपका यह हवन संपन्न हुआ। महादेव, इतने कम समय में आपने ये हवन करवाकर अद्भुत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। इस हवन में हमें बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। गुरुवर, इस धन्यवाद का असली अधिकारी बाल गणेश है। वैसे सच कहें तो हम भी हैरत में हैं कि इन्होंने इतने कम समय में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कैसे कर लिया। बाल गणेश, क्या आप हमें बताएंगे आपने यह असंभव कार्य
किस प्रकार संभव कर दिखाया। पिताश्री, कार्य कठिन जरूर था, किंतु आप ही ने मेरे इस कार्य को आसान कर दिया। हमने आसान कर दिया? हम समझे नहीं पुत्र। पिताश्री, यदि मैं एक एक करके सभी देवी देवताओं के द्वार पर निमंत्रण देने पहुंचता, तो शायद ये कार्य अब तक पूर्ण नहीं होता और एक नहीं कई निमंत्रण रह जाते। इस बारे में जब मैं सोच रहा था, तब मुझे अचानक याद आया कि तीनों लोक के देवी देवता तो आप ही के शरीर में समाहित है पिताश्री, तो क्यों ना मैं सभी निमंत्रण आपको ही समर्पित कर दूं? ये विचार आते ही मैंने और मूषक ने आपका पूजन करना आरंभ कर दिया और सभी निमंत्रण आपको अर्पित कर दिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। मेरे इस प्रयास से सभी देव और देवियों को स्वतः ही निमंत्रण मिल गया और सभी यहाँ अनुकूल समय पर उपस्थित हो गए। आपकी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है बाल गणेश। इस सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय।